और वहां पर बनाया जा रहा है रोबोटिक बुद्धा। बीमार होना इंसान को आलसी बना देता है। कुछ दिन पहले मैंने बोला था आई एम एंजॉयिंग अनएक्सपेक्टेड वेकेशंस। मैंने सच में उसको सीरियसली ले लिया था और मैं सच में एंजॉय करने लग गया था। खूब सोया और कुछ नए आइडियाज दिमाग में आए। चलिए उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी एक जो खबर आ रही है वो शरावस्ती से आ रही है। पाली में इसको सावाथी बोलते हैं, SAVATTHI। ये एक एशियंट शहर है भारत का और ये वन ऑफ द 6 लार्जेस्ट सिटी थी भारत की जब गौतम बुद्ध जिंदा थे। और ऐसा बताया जा रहा है कि बुद्ध ज्यादातर जो वर्षावास है वो सावस्ती में ही करते थे। तो ये काफी एक ऐतिहासिक जगह है एशियंट, और ये एक ऐसी जगह है जहां मैं भी जाना चाहता हूँ। तो आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे काफी सारे विदेशी भी आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। दलाई लामा ने अभी, मैंने अपनी न्यूज में भी बताया था कि दलाई लामा जी ने अपना एक प्रोग्राम भी यहाँ पर किया था। और ये इतनी खास जगह है तो यहाँ पर सरकार ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुलवाया है। तो ये जो पत्रिका न्यूज है इसने उस एयरपोर्ट की पोल खोली, मतलब वहां आज तक कोई प्लेन नहीं उड़ा। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है तो क्या हुआ, वहां पे रेलवे स्टेशन तो होगा। जब मैंने वहां पे गूगल सर्च किया तो वहां पे रेलवे स्टेशन भी नहीं था। मैं सोचा चलो ठीक है बस स्टैंड तो होगा, बस स्टैंड सर्च किया वहां बस स्टैंड तक नहीं है। अब यहां पर सरकार जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करती है। ये हमारे जिला श्रावस्ती का जो है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। आज मुझे जाना है दिल्ली और मैं आया था देखने की कोई जहाज वहाज यहाँ से उड़ रही है कि नहीं उड़ रही है। 6 महीने पहले हमारे सांसद जी श्री माननीय श्री ददन मिश्रा जी ने ट्वीट करके बताया कि 3 महीने में यहाँ से हवाई यात्रा शुरू हो जाएगी। अब मैं देखने आया हूँ कि कोई जहाज वहाज उड़ रही है, तो मैंने यहाँ पे देखा कि कुछ जहाज के कर्मचारी जो है मुझे दिखाई दे रहे हैं और वो जो घास काट रही वो एयर हॉस्टेस हो सकती हैं, और बुढ़ऊ चचा जो उधर खड़े हैं वो पायलट हो सकते हैं। और शरावस्ती तक पहुंचने के लिए आसपास के शहरों तक आना पड़ता है, फिर वहां से लोकल कन्वेंस लेकर आपको शरावस्ती तक जाना पड़ता है, ऐसा मेरे सर्च में निकल कर आया है। तो ये बहुत शर्म की बात है कि जहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात हो रही है और वहां बस स्टैंड तक नहीं है। नेक्स्ट खबर जो आ रही है वो बहुत ही अच्छी है। फिर से एक बुद्ध की मूर्ति मिली है और ये मिली है विजयवाड़ा में, और ये है साउथ इंडिया में। और अगर लोकेशन आपको एग्जैक्टली मैं बताने की कोशिश करूँ तो विशाखापट्टनम, हैदराबाद और चेन्नई, इनके बिल्कुल सेंटर में, अगर आप इन तीनों को लोकेट करके सेंटर देखोगे तो ये विजयवाड़ा वहाँ पड़ता है। और ये जो है काले पत्थर की बुद्ध की मूर्ति मिली है। और मज़े की बात ये है कि ये एक जगह थी जहाँ पर एक मंदिर बनाने के लिए खुदाई चल रही थी, वहाँ पर ये बुद्ध की मूर्ति मिली है। और बुद्ध की मूर्ति का जो ऊपर का हिस्सा था, छाती वाला हिस्सा था, वो मिसिंग था। तो किसी वहाँ के लोकल जो मिस्त्री होता है उसने सीमेंट से वो एरिया बनाया और इस मूर्ति को पूरा किया। और ये जो मूर्ति है ये लगभग 11वीं या 12वीं शताब्दी की है। ये सोचने वाली बात है कि जब भी ऐसी जगहों पर खुदाई होती जहाँ पर कभी कुछ नहीं बना होता वहाँ से बुद्ध की मूर्ति ही क्यों निकलती है। और ये जो न्यूज़ है ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है। अगर आपको देखना है तो मेरे ट्विटर हैंडल पर जाकर देखिए, मैंने ये न्यूज़ की लिंक वहाँ पर ट्वीट कर दी है, बाकी न्यूज़ आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हो। नेक्स्ट खबर जो है वो इंटरनेशनल है, मतलब जापान से आ रही है। और इस खबर के ऊपर मेरी नज़र इसलिए पड़ी क्योंकि इस पर लिखा हुआ था कि बुद्ध की मूर्ति की सफाई से पहले उनकी आत्मा को निकाला गया। तो मैं भी शॉक्ड रह गया यार, जापान में भी ऐसे सब चीज़ें होती हैं क्या। तो मैंने जब खबर को पढ़ा तो वहाँ पे पता चला कि टोडाजी टेम्पल है जापान में, जिसमें लगभग 50 फीट ऊंची मेटल की बुद्ध की मूर्ति है और ये हर साल अगस्त में इसकी सफाई की जाती है। और बोला जाता है कि वहाँ के मॉन्क पहले सफाई करने से पहले बुद्ध की जो है आत्मा को निकालते हैं और उसके बाद 180 लोग मिलकर इस पूरी मूर्ति की सफाई करते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी सी मुझे भी शौक हो गई, चलिए सफाई करना तो अच्छी बात है, काफ़ी सुंदर बुद्ध की मूर्ति है। टोडाजी टेम्पल जो है वहाँ का फेमस बुद्ध विहार है, और ऐसे बुद्ध विहार जापान में बहुत सारे हैं और पूरा जो जापान है वो बुद्धिस्ट है। मुझे लगता है कुछ ऐसी सेरेमनी होगी, जिस तरह से हमारे घर में भी हम जब झाड़ू लगाते हैं तो पंखे बंद कर देते हैं ना, उसी तरह से बुद्ध की मूर्ति की जब सफाई की जाती होगी तो कुछ सेरेमनी होगी। और धीरे धीरे सेरेमनी लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया होगा कि बुद्ध की आत्मा को निकाल के
उसकी सफाई की जाती है। अंधविश्वास जो इसी तरह से बनते हैं धीरे धीरे, तो ऐसा ही कुछ होगा मुझे लगता है। और जो ये नेक्स्ट खबर आ रही है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो टेम्पल की बात अभी हमने की थी टोडाजी, इसके पास ही एक और टेम्पल है कोडाजी, और ये कायोटो एक शहर है जापान का, वहाँ पर स्थित है। और यहाँ पे सबसे खास बात ये आ रही है कि यहाँ पे 400 साल पुराना बुद्ध विहार है और वहाँ पर बनाया जा रहा है रोबोटिक बुद्धा। अब आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे बुद्ध की स्टैचू मिलती है, मतलब मेरे पास भी देखिए यहाँ पे एक स्टैचू रखा हुआ है। ये बुद्ध को रिप्रेजेंट तो करता है बट, लेकिन आप इनसे पूछो कि बुद्ध की कुछ शिक्षाएं मुझे बताइए, तो वो आपको कुछ नहीं बताया। ये एक सिंबल है और एक स्टैचू है सिर्फ, लेकिन जापान वालों ने, कोई बात नहीं, जापान वालों ने क्या किया है कि एक रोबोटिक बुद्धा बनाने की प्रयास कर रहे हैं। और ये बुद्धा ऐसा होगा कि आप इनसे कुछ भी पूछेंगे तो वो उसका जवाब देंगे आपको, मतलब मैं स्टैचू से कुछ पूछूंगा तो मुझे कोई जवाब नहीं मिलेगा। हाँ ये रिप्रेजेंटेटिव है, इनका रिस्पेक्ट करते हैं, बट ये हमें कोई जवाब नहीं देते। बट जो अभी जो कोशिश की जा रही है वो कुछ ऐसा है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ है, और जापान अपने रोबोट्स के लिए बहुत फेमस है, ये चीज़ आप जानते हो। तो मैं आपको दिखाऊं पहले, ये वो वीडियो है। खास बात ये है कि जब भी आप बुद्ध विहार जाओगे, मतलब ये तो अभी स्टार्टिंग है, तो जापान में हो सकता है ये भारत में भी आए ये टेक्नोलॉजी, और जब भी आप बुद्ध विहार जाओगे वहाँ पर जाके आपके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, तो अगर आप कोई सवाल पूछोगे तो ये रोबोटिक बुद्धा उसका जवाब देंगे। ऐसा भी होता है कई बार कि हम कुछ खास बातें या कुछ ऐसी डीप चीज़ें भंते जी से पूछ लेते हैं, और कई बार वो चीज़ उनको नहीं भी पता होती हैं, लेकिन अगर ऐसा एक रोबोट होगा जिससे आप जो भी पूछोगे वो आपको एग्जैक्टली उन्हीं शब्दों में जवाब देगा। मुझे लगता है ये एक बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनरी खबर है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आपको भारत में साउथ में एक बुद्ध की मूर्ति मिली, उस तरह से सोचिए हजारों साल बाद ये खबर आया करेगी एक और रोबोटिक बुद्ध मिले हैं, और वो उस समय की सारी जानकारी आपको बताएंगे किस तरह के लोग हुआ करते थे। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी होगा, और कल फिर मिलते हैं कुछ खास खबरें लेके या फिर कुछ ब्लॉग्स लेके। कीप सपोर्टिंग।